मंगलवार को जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा भगवान पंचायत मंदिर की दीवार पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर शुरू दीवार लेखन अभियान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर की दीवार पर भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाया। इसके नीचे स्लोगन लिखा, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार भाजपा 400 के पार। भाजपा महानगर इकाई की ओर से आयोजित दीवार लेखन अभियान में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस अभियान को भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतदाताओं से संवाद के कार्यक्रम होने हैं। चुनाव से पूर्व प्रदेश में 3 बड़ी रैलियां होंगी। इन आगामी कार्यक्रमों की दिशा में दीवार लेखन अभियान बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि सांसद विधायक सभी पंचायत व निकाय प्रतिनिधियों को इसमें पूरी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभानी होगी। इस अवसर पर सदर सांसद रवि कृष्ण शुक्ला, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष वाईएमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बस महाराज जी सामने इधर से खड़े हो जाइए। विधान परिषद के सदस्य आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को अभिनंदन है। निश्चित ही आज हम सबका सौभाग्य है इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दिल्ली से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो एक संकल्प पूरे देश के अंदर फिर से दिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार और इस बार 400 पार के लक्ष्य विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह ही फलीभूत हो हम सबको प्राणपण से जुड़ करके कार्य करना होगा।
विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को शुभारंभ किया था। यात्रा हर गांव का में अपना सफर करते हुए अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रही है। सफलता पूर्वक केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मोदी जी की विगत 9.5-10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के और स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर प्रशासन मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनमानस को अवगत कराते थे, जिस तत्परता के साथ योजनाओं को अवगत करा रही है, हर व्यक्ति कनेक्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार से, डबल इंजन सरकार से। हमें अपनी बात को कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत पहले से सुरक्षित हुआ है, भारत के अंदर नागरिकों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है, भारत के अंदर वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य प्रारंभ हुए हैं, हाईवे, रेलवे, एयरवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जलमार्गों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान बने हैं, बंद उद्योग फिर से प्रारंभ हुए हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने कुछ नए मानक गढ़े हैं, क्यों योजना की घोषणा नहीं हुई है बल्कि योजना के क्रियान्वयन को 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो आज हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस क्रम में हम सब उस कार्यक्रम के बाद इस सेकंड फेज में वॉल राइटिंग कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। वॉल राइटिंग कार्यक्रम के बाद फिर एक नए कार्यक्रम, नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी का संवाद का कार्यक्रम होना है। प्रदेश के अंदर 3 बड़े रैलियां चुनाव पूर्व संपन्न होनी है और भी अनेक कार्यक्रम आएंगे, लेकिन याद रखना इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। इस बार इस लक्ष्य के साथ हमको निरंतर जाना है, कार्य करना है, उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार